अंग्रेजों से आजाद होकर जब हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे थे, तब सामाजिक असमानताएं हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारतीय समाज अलग अलग भाषाओं, धर्मों और जातियों के आधार पर बटा हुआ था। दलित और हरिजन समाज के लोगों की स्थिति चिंता का सबसे बड़ा विषय थी। दलित समाज को हिंदू कास्ट सिस्टम के आधार पर हजारों सालों से शिक्षा, मूलभूत संसाधनों और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। सवर्ण जाति के लोग दलितों को अछूत मानते थे, उन्हें सवर्ण जाति के लोगों के साथ उठने बैठने का अधिकार नहीं था। दलित लोग एक बार जिस बर्तन में खाना खा लेते थे, सवर्ण जाति के लोग उस बर्तन को दोबारा इस्तेमाल तक नहीं करते थे। दलितों को मंदिरों में आने की अनुमति नहीं थी और ना ही उनके बच्चों को स्कूल में अपर कास्ट के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने की अनुमति थी। आप कल्पना कर सकते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्हें होश संभालते ही पता चलता होगा कि उनके पहचान के साथ एक अछूत का ठप्पा लगा दिया जा चुका है। आज भले ही आपको ऐसी घटनाएं अपने आसपास देखने को ना मिलती हों, लेकिन 1950 के दशक में यही हमारे समाज की सच्चाई थी। जब भारत के संविधान लिखने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समाज में एक सामान्य दलित की स्थिति क्या रही होगी। समाज की इन्हीं असमताओं के बीच से रिजर्वेशन यानी आरक्षण की अवधारणा का उदय हुआ था। आरक्षण की शुरुआत दरअसल आज़ादी से 20 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही दलित नेता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनका नेतृत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था। और अंबेडकर के प्रयासों से ही 1932 में पूना पैक्ट लाया गया। इस समझौते में प्रावधान किया गया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व और अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए 147 निर्वाचन सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। और यहीं से भारत में आरक्षण की यात्रा शुरू होती है। भारत में आरक्षण की नीति को 7 दशक पूरे हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि 70 सालों के सफर में आरक्षण अपने लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब रहा है? आइए समझते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आरक्षण के 70 सालों की जर्नी और बिग स्टोरी को। सबसे पहले जानते हैं कि आरक्षण की मूल अवधारणा क्या है। दुनिया का हर लोकतांत्रिक देश समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर देता है, पर संविधान के निर्माणकर्ताओं को समाज के एक हिस्से को विशेष अधिकार देने की जरूरत महसूस क्यों हुई? आज़ादी के बाद जब हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे थे, तो हमारे पास मौका था एक नए समाज का निर्माण करने का। एक ऐसा शिक्षित समाज जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो या आदिवासी समुदाय से हो, उसे समान सामाजिक अधिकार और समान अवसर मिले, जिसमें हर नागरिक खुद को सुरक्षित और बराबर का महसूस कर सके। छुआछूत और जातिवाद जैसी मानसिकता को खत्म कर दलित समाज को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का हमारे पास मौका था। पर संविधान के आर्टिकल 15 से 20 में देश के हर व्यक्ति को कानूनी तौर पर समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को भी संविधान में दंडनीय अपराध माना गया है। फिर अलग से आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि शायद अगर हम सिर्फ कानून बनाकर ही पिछड़े वर्ग के लोगों को अपर कास्ट के साथ मिलाने की कोशिश करते, तो इसमें शायद सदियां लग जाती। जो मानसिकताएं और प्रथाएं समाज में हजारों सालों से चली आ रही है, उसे सिर्फ कानून बनाने से खत्म नहीं किया जा सकता था। इसके लिए दलितों और अपर कास्ट के लोगों के बीच जो मानसिक और सामाजिक दरारें थी, उन्हें भरने की भी जरूरत थी। पिछड़े वर्ग के लोगों को यह भरोसा दिलाने की भी जरूरत थी कि आप भी इस देश में बराबर के हकदार हैं। संविधान में सबसे पहले केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को ही नौकरियों, उच्च शिक्षण संस्थाओं, लोकसभा, विधानसभा और अन्य राजनीतिक पदों पर उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया गया था। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 15% और शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या 7.5% थी, जिसके आधार पर शेड्यूल कास्ट को 15% और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण दिया गया। नौकरियों और हायर एजुकेशन में आरक्षण को कब तक रखा जाएगा, इसके बारे में संविधान में कोई निश्चित समय तय नहीं किया गया है, लेकिन राजनीति में आरक्षण को केवल 10 साल के ही दिया गया था। आर्टिकल 334 के अनुसार 10 साल बाद राजनीति में आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन पिछले 70 सालों में संसद द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन कर इसे हर बार 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा 2019 में एक बार फिर से आर्टिकल 334 में संशोधन कर
राजनीतिक आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। संविधान में सबसे पहले हिंदू धर्म को मानने वाले दलित समुदाय को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाता था। दलित उन्हें कहा जाता था जिन्हें सदियों से उच्च वर्ण के लोगों द्वारा अछूत माना गया था। इसमें ज़्यादातर मजदूर, भूमिहीन, गरीब किसान या घुमक्कड़ जातियाँ आती थी। दलित शब्द का अर्थ होता है जिनका शोषण किया गया हो। महात्मा गांधी दलित समाज के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया करते थे। 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमीशन का गठन कर उन सभी जातियों की एक सूची बनवाई जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए थे, जिनमें मुख्य तौर पर सभी दलित जातियों को ही शामिल किया गया था। और अंग्रेज इस सूची या इस पूरी दलित समाज को शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते थे। आप मान सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट एक ऑफिशियल लिस्ट थी जिसमें बताया गया था कि ब्रिटिश इंडिया में कौन कौन सी जातियाँ दलित वर्ग में आती हैं। 1935 के बाद दलित, हरिजन या डिप्रेस शब्द की जगह शेड्यूल कास्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। पहले केवल हिंदू दलित जातियों को ही इस कैटेगरी में शामिल किया जाता था, लेकिन 1956 में सिख और 1990 में बुद्धिस्ट दलित जातियों को भी इस कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। पिछले कुछ सालों में मुस्लिम धर्म के लोग भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब में उन समुदायों को शामिल किया जाता है जो जंगलों में रहते थे। इसमें किसी भी धर्म की जातियों को शामिल किया जा सकता है जो आदिवासी समाज के अंदर आते हैं। इन दोनों ही सूचियों में किसी जाति को शामिल करने या किसी जाति को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति और पार्लियामेंट को दिया गया है। इसके बाद 70 के दशक में आवाज उठी कि समाज में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा भी बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए भी सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। 1989 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोरारजी देसाई ने एक कमीशन का गठन किया था जिसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिनको राष्ट्रपति ने कहा कि आप समाज का अध्ययन कर यह बताइए कि जो आर्थिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनके विकास के लिए क्या किया जा सकता है। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा 52% आबादी आर्थिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ी हुई है और इनके विकास के लिए सरकारी नौकरियों में इन्हें 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके एक दशक बाद 1990 में नेशनल फ्रंट पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाया था और अदर बैकवर्ड क्लास को भी अब 27% का आरक्षण दिया गया था। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 15% होने पर उन्हें 15% का आरक्षण दिया गया था, तो अदर बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या 52% होने के बाद सिर्फ उन्हें 27% आरक्षण ही क्यों दिया गया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि देश में जातिगत आरक्षण को 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, जिसका जिक्र हम आगे भी करेंगे। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को पहले ही 22% का आरक्षण दिया जा चुका था और अब बचा हुआ 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया गया था। ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने के बाद जनरल कैटेगरी में आने वाले अपर कास्ट के लोग इससे काफ़ी नाराज हो गए थे और पूरे देश में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया गया था। ओबीसी आरक्षण के विरोध की सबसे हैरानी वाली घटना तब सामने आई जब अपर कास्ट के छात्रों ने खुद को आग लगाना तक शुरू कर दिया था। इस दौरान लगभग 160 छात्रों ने ओबीसी आरक्षण के विरोध में खुद को आग लगाने की कोशिश की थी, जिसमें से 63 छात्रों की मौत भी हो गई थी। यह तस्वीर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 19 साल के छात्र राजीव गोस्वामी की है, जिसने सबसे पहले ओबीसी आरक्षण के विरोध में खुद को आग लगाई थी। इसी दौरान इंदिरा साहनी नाम के एक वकील ने भी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर दिया था। इंदिरा साहनी की दलील थी कि आप किसी की जाति के आधार पर किसी का पिछड़ापन या बैकवर्डनेस तय नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा था कि जाति के आधार पर भी पिछड़ापन तय किया जा सकता है और 1993 में ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत से महत्वपूर्ण फैसले सुनाए थे। इसी मंडल कमीशन में कहा गया था कि जनरल कैटेगरी में आने वाले आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को भी 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। तब वीपी सिंह की सरकार इस सुझाव को भी लागू करने के पूरे पक्ष में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था और कहा था कि किसी कास्ट को उनकी गरीबी के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को संविधान में 124वां संशोधन कर बदल दिया है और अब जनरल कैटेगरी के लोगों को भी 10% का आरक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों, जो आरक्षण 22% से शुरू हुआ था, अब हमारे देश में 60% तक पहुंच चुका है। तो ये थी 1950 से लेकर अब तक जातिगत आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण की यात्रा। इसके अलावा भी हमारे देश में महिला आरक्षण, दिव्यांगजनों को आरक्षण, खेल कोटा, एक्स सर्विसमैन और भी अन्य तरह के आरक्षण नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिए जाते हैं। और बीच बीच में आपको प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी आपकी मांग सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि भारत में नौकरियां 95% प्राइवेट सेक्टर में है। आज़ादी के 70 सालों बाद आज हर कोई आरक्षण के विषय में अपनी एक अलग राय रखता है, जिसमें आरक्षण विरोधी भी हैं जिनका मानना है कि आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण जरूरी है और इसे हटाना नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये वो लोग हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए था, जिनकी मांग मोदी सरकार द्वारा 2019 में पूरी कर दी जा चुकी है। लेकिन ये लोग अभी भी मानते हैं कि सभी प्रकार का जातिगत आरक्षण हटाकर हमें आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर ही दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों की मांग है कि हमें भी पिछड़ा हुआ माना जाए, जैसे जाट, पटेल और मराठा आजकल आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अंबेडकर साहब ने आरक्षण की मांग समाज में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए की थी, जिसे समाज में अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच की दरार को भरकर समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिल सके। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आपको कोई अपर कास्ट का लड़का यह कहते हुए मिल जाएगा कि सरकारी नौकरी के लिए इतनी तैयारी और मेहनत करने के बजाय पिछड़े वर्ग का अगर सर्टिफिकेट बना लेता तो मुझे नौकरी मिल जाती। आज लोग खुद को पिछड़ा साबित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आरक्षण सही है, गलत है, या इसे हटाना चाहिए या इसे जारी रखना चाहिए, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आरक्षण के मुद्दे पर कोई एक निर्णायक राय बनाई जाए, क्योंकि उनके लिए आरक्षण पिछड़ेपन को दूर करने की एक योजना से ज़्यादा एक वोट बैंक का हथियार बन चुका है। आपको बहुत से ऐसे सांसद और विधायक मिल जाएंगे जो वोट पाने के लिए चुनाव आपको पिछड़े वर्ग का दर्जा देकर आपको आरक्षण दिलाने के वादे करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आरक्षण बहुत हद तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का विकास करने में सफल रहा है। आरक्षण की मदद से इस वर्ग में बहुत से लोग आज सरकारी विभागों में नौकरियां कर रहे हैं, जिनके शिक्षा का स्तर बढ़ा है और ये लोग अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा माहौल देने लायक बन चुके हैं। लेकिन दलित समाज का आज भी एक हिस्सा ऐसा है जो सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहा है। आरक्षण सही है या गलत, यह सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसी ही ग्रेट बिग इंडियन स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और नई द ग्रेट बिग इंडियन स्टोरी के साथ।